नमस्कार दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर में से एक है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल हिंदी टाइप करना होगा और सर्च रिजल्ट के पहले ही लिंक भाषा इंडिया डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना होगा। ये टूल सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं है, बल्कि आप कई और भारतीय भाषाओं के लिए ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होती है, इसलिए एकदम सेफ है। भाषा इंडिया डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा, जिस पर सभी भारतीय भाषाओं के टूल्स की लिस्ट होती है। क्योंकि हमें हिंदी का टूल चाहिए, इसलिए हम हिंदी पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर की फाइल को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और .exe फाइल पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे इंस्टॉलेशन में एरर आ गया है। एरर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल रिक्वायर्स .net फ्रेमवर्क 2.0 और हायर, प्लीज इंस्टॉल .net फ्रेमवर्क 2.0 एंड रीस्टार्ट सेटअप। अभी जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके लिए भी .net फ्रेमवर्क जरूरी है। जब मैंने चेक किया तो पाया कि मेरे सिस्टम में .net फ्रेमवर्क का लेटेस्ट अपडेट पहले से ही मौजूद है, तो ये थी समस्या। चलिए अब हम इस एरर का सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, हम पहले बाईं तरफ नीचे बने विंडोज आइकॉन पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे एप्स एंड फीचर्स। अब हम एप्स एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे और फिर एक नया विंडो ओपन होगा। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ बाईं तरफ दिए गए लिंक टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करने के बाद अगर आपके सिस्टम में .net फ्रेमवर्क पहले से इंस्टॉल है, तो आपके सामने पहला ही ऑप्शन आएगा .net फ्रेमवर्क का। हमें .net फ्रेमवर्क के सामने के बॉक्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली ज़रूरत की फाइल्स को सर्च करने लगेगा। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, वरना जरूरी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो पाएंगी। कुछ मिनट वेट करने के बाद एक नया स्क्रीन आएगा। आपको यहाँ लेट विंडोज अपडेट डाउनलोड द फाइल्स फॉर यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड करके अपडेट कर देगा। अपडेट खत्म होने के बाद अब हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगा, वो भी बिना किसी एरर के। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब हम दाईं तरफ नीचे भाषा वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। इसके लिए हम एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद जब हम चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल का ऑप्शन दिख रहा है। अब आप इस टूल की मदद से अपनी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।